हेलो दोस्तों, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज के पीआईबी एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं 26 सितंबर, 27 सितंबर और 28 सितंबर 2018 के इम्पोर्टेंट पीआईबी अपडेट्स के बारे में। जैसे हमने कल डिस्कशन किया था, एक बार फिर से इसी तरह से शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोगों का फीडबैक आया है कि इसी तरह से इसको चलते रहना चाहिए, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं बताए गए हैं, तो हम इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं जब तक आपका कोई अन्य फीडबैक नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 26 तारीख में, 26 सितंबर 2018 में अपडेट्स क्या क्या हैं ये देख लेते हैं, हमको कौन कौन सी यहाँ पर कवर करनी है। सबसे पहले पीएमओ से देखेंगे, पीएम्स इंटरेक्शन थ्रू प्रगति के बारे में दिया हुआ है, तो प्रगति क्या चीज़ है इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे चेयर्ड हिज 29th इंटरेक्शन थ्रू प्रगति। प्रगति को यहाँ पर बताया गया है एन आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म पर प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप क्या लिखेंगे, अगर आपसे पूछता है व्हाट इज प्रगति या फिर प्रगति इस डैश चार ऑप्शन, तो उसमें से आप लगाएंगे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस फॉर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पीएम इंटरेक्शन करते हैं इससे। अब कैबिनेट की तरफ से अपडेट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया ने उज्बेकिस्तान के साथ काफ़ी सारे MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन किए हैं। किस किस क्षेत्र में साइन किए हैं, जैसे फ्री फार्मास्यूटिकल जोन के क्षेत्र में, ठीक है, और टूरिज्म के क्षेत्र में भी किया है, स्पेयर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के क्षेत्र में भी किया है, तो इनका थोड़ा सा आइडिया आपको रखना चाहिए, ठीक है। ड्रग्स के क्षेत्र में भी किया है, तो इसका मैप तो हम लोग कल ही देख चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट की तरफ से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है ICAI और केन्या का जो काउंटर पार्ट है इनका इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स केन्या का, तो इन्होंने इस MOU साइन किया है और इनके समझौते को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने, ठीक है। एक दूसरे का सहयोग करेंगे यहाँ पर, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एक दूसरे की अपनाएंगे, यही होता है जब एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे देश के अपने काउंटर पार्ट से कोई MOU करता है, तो इसका बेसिक पर्पस यही होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना। आप क्या करते हैं इस क्षेत्र में, हम क्या करते हैं, इस चीज़ों को शेयर करते हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर अपना लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है ICAI एंड ICPA की विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू की मेंबर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल बॉडी स्टाफ टू लर्न फ्रॉम देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस थ्रू वर्क प्लेसमेंट्स टू बी एग्रीड थ्रू अ वर्क शेड्यूल। तो यही कुल मिलाकर बात है, यहाँ पर एक दूसरे की साझेदारी करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर इम्पैक्ट के बारे में भी दे रखा है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर इंडिया और केन्या के यहाँ पर रिलेशंस पर। इंडिया को बताया गया है यहाँ पर 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर किसका, केन्या का, और केन्या का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है। केन्या के पास लार्जली डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक बेस है और वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन मार्केट में केन्यन गुड्स को पेनिट्रेट करना, और वह इंडिया की भी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ ऐसे वेज ढूंढें जिससे केन्या के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन सकें, टॉप फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर बन सकें। जो इंडिया भी 6th पर है वो 1th पर आ जाना चाहता है, यानी कि टॉप पर आना चाहता है, तो ये कुल मिलाकर चीज़ें हेल्प करने वाली हैं इस MOU से। मैंने आपको बोला हुआ है जब भी कंट्री का नाम आएगा तो उसे हम लोग मैप में जरूर डिस्कस करते हैं, तो आज हम लोग मैप देखते हैं केन्या का। केन्या का मैप देखते हैं, अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर हमने बाउंड्रीज इसकी दिखाई हुई है। तो केन्या किन किन देशों के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है, लैंड बाउंड्री और कौन कौन सी वाटर बॉडीज इसको घेरे हुए हैं, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। बाउंड्री हम रेड से इसको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा और गहरा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सोमालिया इससे बाउंड्री शेयर करता है, रिपब्लिक ऑफ तंजानिया इससे बाउंड्री शेयर करता है, युगांडा इससे बाउंड्री शेयर करता है और सूडान भी इससे बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। एक देश यहाँ पर ऊपर छुप गया है, वो है इथियोपिया, इथियोपिया भी इससे बाउंड्री शेयर करता है आपका, और जो सूडान यहाँ पर शेयर कर रहा है वो कौन वाला सूडान है, वो साउथ सूडान है। युगांडा भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो कितने कंट्रीज़ हो गए जो बाउंड्री शेयर करते हैं इससे, साउथ सूडान हो गया, ठीक है, इथोपिया हो गया, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ तंजानिया चौथा, और आपका सोमालिया पांचवा। पांच देश इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। इंडियन ओशियन इसको यहाँ सदर्न ईस्टर्न पार्ट से घेरे हुए है, साउथ ईस्टर्न कह सकते हैं आप पार्ट से ही घिरा हुआ है, किससे, इंडियन ओशियन से। इसकी कैपिटल है नैरोबी, इसकी करेंसी होती है शिलिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे शिलिंग इसकी करेंसी है, और ये उन कंट्रीज़ में से एक है जो कि लेक विक्टोरिया को घेरे हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स आप ध्यान रख सकते हैं बेसिक केन्या के बारे में। हम लोग बढ़ते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 को, तो इस पॉलिसी की कुछ हाईलाइट्स यहाँ पर हम देखेंगे, ये एग्जाम में आ सकता है आपका, तो थोड़ी चीज़ें हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि टारगेट्स रखे गए हैं और आगे की दूर संचार नीति भारत की कैसी रहने वाली है।
डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 की थोड़ी सी समरी यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर बोली गई है ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, यानी कि इंटरनेट का एक्सेस सभी के पास होना चाहिए, एक एक व्यक्ति के पास, भारतीय के पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। नए डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के तहत क्या करेंगे कि 4 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि करीब कितनी 40 लाख नौकरियां करीब क्रिएट करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, जो कि होना काफ़ी मुश्किल है वैसे तो। और जो कंट्रीब्यूशन रहा है अभी तक डिजिटल कम्युनिकेशन का जीडीपी में, उसको 8% तक हमको लेके आना है, जो कि 2017 में रफली करीब 6% तक रहा था। ठीक है, महत्वाकांक्षी हर चीज़ रखते हैं हम लोग, टारगेट पहले बना लेते हैं। टारगेट यहाँ पर ये है इसका कि हम लोग जीडीपी में डिजिटल कम्युनिकेशन का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने वाले हैं, उन टॉप 50 नेशंस में आना है आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स में, और जो इंडिया को रैंक मिली थी 134 2017 में, अब हमको आईसीटी डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप 50 नेशंस में आना है, तो एक ही टारगेट हो गया। और इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू चेन्स में, डिजिटल सोवरेनिटी को प्रमोट करना है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि देश के नागरिकों के लिए क्या करने वाले हैं, आखिर सभी को यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के तहत मिनिमम 50 Mbps तक का यहाँ पर स्पीड वाला इंटरनेट दिलवाने की बात कही जा रही है। अभी कितना इंटरनेट है आपके पास? मेरे ख्याल से 1 Mbps भी बहुत मुश्किल से आता है। अब 1 Gbps कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने वाले हैं सभी ग्राम पंचायत को 2020 तक, और 10 Gbps तक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने वाले हैं 2022 तक। तो देख सकते हैं ग्राम पंचायत के पास 1 Gbps तक का कनेक्शन होगा, जो अभी 1 Mbps का भी नहीं है। कनेक्टिविटी इंश्योर करना है सभी तरह के अनकवर्ड एरियाज में, मोबाइल फ़ोन नहीं है जहां सबको मोबाइल फ़ोन मिलेगा, और 1 मिलियन मैन पावर को यहां पर न्यू एज स्किल के तहत ट्रेनिंग मिलेगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोसिस्टम को यहां पर बढ़ावा देना है, जिसके तहत हमको 5 बिलियन कनेक्टेड डिवाइस का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना है। उसके अलावा 5G के बारे में बात कही गई है कि 5G जल्दी इंडिया में आएगा और सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। नई दूर संचार नीति के तहत जो अभी तक हमारा विभाग होता था दूर संचार आयोग, अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम रख दिया गया है डिजिटल संचार आयोग। ठीक है, तो दूर को डिजिटल कर दिया गया है, संचार आयोग को संचार आयोग ही रखा है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, डिजिटल संचार आयोग। आप ध्यान रखेंगे इसको। थोड़ा पीआईबी का भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर सच एज 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, M2M, इन टेक्नोलॉजीज को हमको लेकर के आना है, इंट्रोड्यूस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको अपनी पॉलिसी रखनी है दूरसंचार की कस्टमर बेस्ड और एप्लीकेशन ड्रिवन। ठीक है, मतलब कस्टमर फोकस्ड रखनी है, हर तरह से उपभोक्ता को संतुष्टि मिलनी चाहिए, और हर काम यहाँ पर एप्लीकेशन से होना चाहिए। ठीक है, हर किसी के पास एप्लीकेशन का एक्सेस होना चाहिए, ना कि वही जो पुराना पेपर वाला चीज़ें चल रही हैं वो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से अपडेट क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में, जो कि 3 करोड़ इंश्योर्ड पर्सन से उनको लाभ पहुंचाने का काम करने वाली है। कैसे लाभ पहुंचाएगी इस योजना के तहत क्या होगा, जितने भी आईपीज हैं यानी कि आपके इंश्योर्ड पर्सन हैं, किसके तहत, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत किसी भी बीमा के अंतर्गत अगर उनको कवर मिला हुआ है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट जिस समय उनके पास नहीं होगी, डायरेक्ट कैश के रूप में उनके बैंक अकाउंट में उनके बीमे का जो है 25%, सॉरी यहाँ पर उनके अर्निंग का 25% इंडक्ट किया जाएगा 90 दिन के लिए उनके बैंक में एज अ हेल्प के तौर पर, जब तक वो नया एम्प्लॉयमेंट अपना नहीं खोज लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात कही जा रही है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के समय थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिल सकेगा। मतलब पहले बीमा ऐसा होता था कि आप जब कुछ एक्सट्रीम केसेस में ही अपना पैसा निकाल सकते थे बीच में, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एम्प्लॉयड हैं और नया जॉब, नया नया काम ढूंढ रहे हैं, तो उस बीच आपको 25% जो आपकी रेगुलर इनकम है उसका हिस्सा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में 90 दिन के लिए मिलेगा इस योजना के तहत, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अब अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कोई दूसरी चीज़ नहीं है, यहाँ पर जितने भी इंश्योर्ड पर्सन है एसिक के तहत, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत कोई भी बीमा है तो उसके तहत मिलेगा। कहने का मतलब है जो इंश्योर्ड पर्सन थे उनके लिए प्रोविजन लाया गया है, कोई नई ये योजना नहीं है दूसरी, समझ गए। इसी तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स का यहाँ पर बढ़ा दिया गया है वेतन, आपने सुना था ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी चीज़, ये पूछी जाती है इस तरह की चीज़ें, 3,000 रुपये से बढ़ा करके 4,500 रुपये यहाँ पर कर दिया गया था आंगनवाड़ी वर्कर्स का, और आंगनवाड़ी हेल्पर्स का कितना कर दिया गया था, 1,500 से बढ़ा करके 2,250 रुपये तक का, और आशा वर्कर्स को भी जो भी इंसेंटिव मिलता था उसको डबल कर दिया था। आप जानते हैं कि आशा वर्कर्स हो गए, आंगनवाड़ी हो गए, इनको काम तो काफ़ी दे दिए गए थे लेकिन इंसेंटिव काफ़ी कम दिए जा रहे थे पहले से, तो इनका जो देखने को मिलता था रवैया वो ठीक नहीं था कुल मिला करके। अगर आपको इंसेंटिव कब मिलेगा और काम बहुत ज़्यादा दे दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से काम अपना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये बढ़ाई गई थी इनकी अलाउंसेस, तो ये आप याद रखेंगे कि
कितनी से कितनी बढ़ाई, ये भी कभी कभी पूछ ली जाती चीज़ें, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अपडेट देखिए, यहाँ पर CSIR ने अपना मनाया था 76वां फाउंडेशन डे। ठीक है, तो CSIR डे कब मनाया जाता है ये आप ध्यान रख सकते हैं। CSIR के 76वें फाउंडेशन डे के दिन कुछ फंक्शंस हुए थे, कुछ अवार्ड के वितरण हुए थे। CSIR के बारे में आप बेसिक चीज़ें जान लीजिए, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमारे जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उस समय पर वो होते हैं इसके चेयरपर्सन, और बाकी इसमें डायरेक्टर जनरल की पोस्ट होती है। ये किससे संबंधित है, इसका नाम ही है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इससे संबंधित है, इंडस्ट्रियल और रिसर्च से संबंधित है ये कुल मिला करके। इसमें कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे CSIR फाउंडेशन डे पर एक अवार्ड अनाउंस किया गया था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है हमारे इंडिया में साइंस का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, तो ये अनाउंस कर दिया गया था यहाँ पर। CSIR ये हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने कल एक चीज़ डिस्कस की थी, वायु, ठीक है, विंड ऑगमेंटेशन एंड प्योरिफाइंग यूनिट जिसको डिस्कस किया था हमने। इस डिवाइस को भी किसने डेवलप किया है, CSIR के NEERI ने, यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया था, वायु डिवाइसेस को। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं CSIR के बारे में। बढ़ते हैं हम लोग आगे, अब अपडेट देखेंगे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से। ट्राइफेड और ट्राइब्स इंडिया ने मिलकर के पंचतंत्र कलेक्शन को जारी किया है, और जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है मिस MC मैरीकॉम। ठीक है, उनकी फोटो वगैरह आपको कल की अपडेट में देखने को मिलेगी, यानी कि 27 तारीख में। तो चलते हैं आगे, 27 सितंबर को अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो 27 में अब आप देखेंगे, 27 सितंबर में लॉन्च कर दिया गया है पंचतंत्र कलेक्शन। यहाँ पर जिस पंच की बात की जा रही है उसको मैरीकॉम से आप रिलेट कर सकते हैं, मैरीकॉम बॉक्सर हैं, और जिस पंच की यहाँ पर बात की जा रही है उसमें बॉक्सिंग वाला पंच यूज़ किया गया है, ऐसा मान के चल सकते हैं। पंचतंत्र कलेक्शन बेसिकली कुछ कलेक्शन है प्रोडक्ट्स का, ठीक है, ये पैकेज है कुछ प्रोडक्ट्स का जिसमें शामिल है कुछ पहनने वाले प्रोडक्ट्स, हैंडलूम के बने हुए, पूरी तरह से ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, मशीनरी नहीं है, हैंडलूम के बने हुए कपड़े, कुछ यहाँ पर सजावट का सामान है, दिए वगैरह हैं, दिवाली को फोकस करके कुछ सजावट का सामान है। तो ये पूरा कलेक्शन है, इसको स्पॉन्सर कर रही हैं या फिर इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है MC मैरीकॉम। ट्राइफेड इसको सेल करने वाला है कहाँ पर, अपने रिटेल आउटलेट्स में, अपने ट्राइबल शोरूम्स में जो करीब 130 हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में बिकेंगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से साझेदारी करके इन सबको प्रमोट किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हैं, ट्राइफेड हमेशा से ही कार्य करता रहता है ट्राइबल मामलों में, ट्राइबल लोगों के प्रोडक्ट्स को बिकवाने का बेसिकली काम करता रहता है। जैसे रक्षाबंधन करीब आपने देखा था, इको फ्रेंडली राखी कुछ यहाँ पर जारी की गई थी जिसको उगाया भी जा सकता है, जो अगर सॉइल में चली जाती है तो उससे पौधा भी उगाया जा सकता है, क्योंकि उसमें सीड पेपर का इस्तेमाल किया गया था, और उसको भी मध्य प्रदेश की ट्राइबल महिलाओं ने ही डेवलप किया था। तो गेंदे की सीड से बने हुए, सीड पेपर से बनी हुई राखियाँ थी जिसको उगा भी सकते थे, तो इको फ्रेंडली भी है, ट्राइबल लोगों का सामान बेच रहा है, ट्राइबल लोगों को थोड़ा रेवेन्यू भी यहाँ पर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ट्राइबल मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ट्राइफेड करता रहता है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म बहुत भूलने वाली इसमें चीज़ होती है, कॉमेंट्स में लिख करके बताइए, जैसे आप अभी नहीं भूलें एक बार नेट से देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है, और बिना नेट से देखे इसको टाइप करके बताइए कॉमेंट्स में लिख करके कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है। अपडेट नीति आयोग की तरफ से है, नीति आयोग से बहुत कम ही अपडेट रिलीज होती है PIB में, लेकिन जब आती है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया और UN ने साइन किया है 5 ईयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो कि चलेगा 2018 से 2022 तक। ठीक है, तो इंडिया ने और UN ने साइन किया, क्या मतलब है, इंडिया की तरफ से किसने साइन किया है, नीति आयोग ने, अमिताभ कांत और यूनाइटेड नेशंस के कोऑर्डिनेटर यहाँ पर थे, यूरी अफसानिफसिव जो भी इनका नाम लिखा हुआ है, इन्होंने मिलकर के साइन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कहा जा रहा है, UNSDF शॉर्ट फॉर्म में। और क्या क्या यहाँ पर करने वाले हैं, किन एरियाज़ पर फोकस करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 7 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, UN की एजेंसीज के साथ मिलकर के हमको इम्प्लीमेंट करना है। पावर्टी है पहला, अर्बनाइजेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, डिजास्टर रिजाइलेंस, स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब क्रिएशन, जेंडर इक्वलिटी, यूथ डेवलपमेंट, मतलब जो मेजर मुद्दे होते हैं उन्हीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UN की एजेंसीज के साथ मिलकर के काम करने वाली है। इस पैक्ट का नाम आप जरूर ध्यान रख लेना, UNSDF यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक छोटी सी डिटेल लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एट 29 ऑथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया विल इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 टू 10 अक्टूबर 2018। इसमें नोटिफाई किया गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल होगी जो 29 ऑथराइज्ड SBI की ब्रांचेस हैं। अभी ACF का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन बना था आपसे कि बताइए
ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था वैसे तो, इसमें कई मल्टीपल ऑप्शन थे। इसमें दो स्टेटमेंट रखी गई थी। पहली स्टेटमेंट ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी करने वाला इंडिया जो है क्या वो पहला कंट्री है, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ये बनाया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की अपर और लोअर लिमिट कितनी होती है। तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ACF के पेपर, इलेक्टोरल बॉन्ड की अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी होती है, यानी कि मिनिमम कितने अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया जा सकता है और मैक्सिमम कितने अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया जा सकता है, कमेंट करके बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से अपडेट किया है, श्री जीपी नड्डा यहाँ पर शामिल हुए थे हाई लेवल मीटिंग में ट्यूबरकुलोसिस पर जो हुई थी, इसका 73वां सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य क्या है टीबी को एंड करने का। देखिए टोटल जो लक्ष्य है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस को वर्ल्ड से एलिमिनेट करने का वो है 2030, ठीक है, यूएन का जो है, WHO का जो है। और इंडिया का क्या लक्ष्य है, इसको पहले 2030 था लेकिन अब इसको कम करके कितना कर दिया गया है 2025। ये जो मेन बात ध्यान रख में रखने वाली है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और क्या बातें हुई है यहाँ पर, कितना कमिटेड है भारत, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो अपडेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान रखना। इसमें भी एक छोटा सा फैक्ट है और इसको हम लोग देखेंगे, इसको ध्यान भी रखेंगे। फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, अब स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो होता है SDRF जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन पहले 75% होता था, अब इसको बढ़ा करके 90% कर दिया जाएगा, और ये इफेक्ट में आ गया है 1 अप्रैल 2018 से, ठीक है। मतलब 1 अप्रैल 2018 के बाद से जो डिजास्टर है उसमें स्टेट का जो फंड होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, अब उसको 75 से 90% इसमें कर दिया गया है। यही बस अब इसमें आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और छोटी सी ध्यान रख सकते हैं इसमें कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है किसके तहत क्रिएट किया गया है, अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, ठीक है, बस इतना आपके लिए ध्यान रखना सफिशियंट है। बढ़ते हैं आगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से जो अपडेट है इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि भारत ने पहला कंसाइनमेंट जो है चावलों का वो चाइना को शिप कर दिया है नागपुर से, और इसमें 5% जो ब्रोकन राइस शामिल हैं, और कुल ये 100 टन भेजा गया है। किसके तहत भेजा गया है, अभी जो किंगडाओ में जो आपका SCO का समिट हुआ था उसमें स्पेशल मीटिंग हुई थी मोदी जी की और वहाँ पर शी जिनपिंग की, और उसमें दो समझौते हुए थे बेसिकली, किसके किसके बीच हुए थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इन दोनों के बीच समझौता हुआ था कि भारत जो है चाइना को भेजेगा नॉन बासमती राइस, और पहला कंसाइनमेंट इसके तहत भेज दिया गया है। एक और समझौता हुआ था चाइना की तरफ से कि चाइना हमको शेयर करेगा ब्रह्मपुत्र का पानी का फ्लो कैसा होता है, इसकी मैपिंग जो है वो शेयर करेगा फ्लड के दौरान, ठीक है। तो ये दो समझौते हुए थे, थोड़ा काम चाइना करेगा और बाकी काम इंडिया करेगा, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह की छोटी छोटी या फिर कह सकते हैं बेकार की चीज़ें पूछ ली जाती हैं आजकल पुलिस एग्जाम्स जैसे में। पुलिस का एग्जाम अगर किसी ने दिया UPP का तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं, PGS में भी आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। भारत जो है शेयर क्या कर रहा है चाइना को, नॉन बासमती चावल, और चाइना उसके बदले में क्या दे रहा है हमको, ब्रह्मपुत्र का जो पानी वाला मैप है वो हमसे शेयर करेगा फ्लड के दौरान। अगला अपडेट यहाँ पर है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो दो एयरपोर्ट हैं अहमदाबाद में और इंदौर में, इनको अवार्ड दिया गया है नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2016-2017 के तहत। अच्छा आप देखोगे यहाँ पर 27 सितंबर की अपडेट हम लोग कवर कर रहे हैं, इस दिन इंटरनेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए ये अवार्ड प्रेजेंट किए जाते हैं किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा कुछ कैटेगरीज में, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एयरपोर्ट हैं जैसे कि देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट जो इंदौर का है, इसको अवार्ड दिया गया है बेस्ट एयरपोर्ट का। रेस्ट ऑफ इंडिया की कैटेगरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो है इसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है मेजर सिटीज़ की कैटेगरी में। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, वैसे तो करीब 88 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं लेकिन हाईलाइटेड ये दो हुए हैं इसमें PIB में भी, तो इनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। खास करके मध्य प्रदेश वाले लोग इसको जरूर देख लीजिएगा MPPCS के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के दोनों एयरपोर्ट जो हैं इनको बेस्ट एयरपोर्ट्स का अवार्ड मिला है टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। KJ अल्फोंस जो हैं हमारे इंडिपेंडेंट मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, इन्होंने अवार्ड प्रेजेंट किया। अच्छा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो काफ़ी बड़ा निकाय माना जाता है एयरपोर्ट्स का, उसने जो है मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरपोर्ट बताया था किसको, अहमदाबाद एयरपोर्ट को, और उसकी रेटिंग जो है ASQ की वो भी 4.8 बताई गई थी 5 के स्केल में। एशिया पैसिफिक रीजन का ये मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरपोर्ट बताया गया था एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। तो ये दोनों चीज़ें आप इसमें याद रख सकते हैं, और आप देखेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ वालों को ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए थे इनके द्वारा। बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग जो अपडेट्स देखना शुरू करते हैं 28 सितंबर 2018 में। 28 सितंबर 2018 में सबसे पहली अपडेट देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की।
जो 100 MPs हैं उन्होंने MPLAD स्कीम के तहत अपना फंड डोनेट किया है केरल के रिहैबिलिटेशन वर्क्स के लिए। MPLAD से स्कीम के बारे में लोग PIB में ही डिस्कस कर चुके हैं। ये स्कीम शुरुआत की गई थी इसकी 1993 के करीब। पहले 2 करोड़ रुपए करीब मिलते थे सांसद निधि के रूप में, यानी कि MPLAD के तहत। अब सांसद निधि कितनी कर दी गई थी, 5 करोड़ कर दी गई थी 2011 से। इसको एक MP अपने कंस्टिट्यूएंसी में खर्च कर सकता है एक ईयर में, अपने डेवलपमेंटल कार्यों के लिए और किसी स्पेसिफिक कार्यों के लिए, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट भी कर सकता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी अपॉइंट किया जाएगा MP के द्वारा, उसको रिपोर्ट सौंपनी होगी एक स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ पीरियड में कि उसने कितना काम करवाया है सांसद निधि से। अब ये बात चल रही थी जब केरला में फ्लड आया था कि क्या सांसद निधि का प्रयोग किसी स्पेसिफिक एरिया में किया जा सकता है जहाँ पर कोई कैलेमिटी आई है, भले ही किसी भी सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो एरिया ना आता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उत्तर प्रदेश से कोई MP है, कोई सांसद है, वो केरला में कंट्रीब्यूट अगर करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? इसके लिए रूल्स देखे गए थे। वेंकैया नायडू जी ने बोला था कि हाँ बिल्कुल रूल्स हैं, अगर MP चाहता है कि वो रिहेबिलेशन वर्क के लिए किसी भी कैलेमिटी प्रोन एरिया में अपने सांसद निधि को खर्च करना चाहता है तो उसको कर सकता है। तो उसी के तहत 100 MPs ने अपना जो है सांसद निधि डोनेट किया है, जो करीब 43.66 करोड़ हो रहा था 100 MPs में से, यानी कि करीब एक ने 4.33 समथिंग करोड़ रुपए अपने 5 करोड़ में से यहाँ पर डोनेट किया। तो इसके तहत आप ध्यान रख सकते हैं MPLAD स्कीम की शुरुआत कब की गई थी, 1993 में, जरूर ध्यान रखिएगा। और ये कितनी होती है सांसद निधि, ये अब होती है 5 करोड़, 2011 से पहले कितनी होती थी 2 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से अपडेट ये थी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है 1 अक्टूबर को कन्फर करेंगे वयोश्रेष्ठ सम्मान से अवार्डीज को। वयोश्रेष्ठ सम्मान दिया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के दिन, जो कि होता है 1 अक्टूबर को। यहाँ पर वयोश्रेष्ठ सम्मान आप समझ गए होंगे एल्डरली पीपल को ही दिया जाएगा, या फिर किसी भी एज के पर्सन या फिर इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है जिसने कुछ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस की हो, जिसने एल्डरली पीपल्स के जीवन में परिवर्तन लाया हो, इसके लिए बेसिकली। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के दिन दिए जाते हैं। पहले इसके बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो वयोश्रेष्ठ सम्मान शुरुआत करी गई थी इनकी नेशनल अवार्ड के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के तहत, हालांकि बाद में इसको नेशनल अवार्ड का स्टेटस मिल गया था 2013 में ऑफिशियली। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें कई सारी वैसे कैटेगरीज होती हैं जिनको आपको ध्यान नहीं रखना है। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, बेस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग वेलबींग एंड वेलफेयर ऑफ एल्डर सिटीजन्स, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू सीनियर सिटीजन्स, बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजिंग, बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन्स एंड अवेयरनेस क्रिएशन। अच्छा, मैंने शायद एक चीज़ यहाँ पर गलत बोल दी है, यहाँ पर एल्डरली पीपल्स को नहीं मिलता है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को मिलता है जो एल्डरली पीपल्स के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, सो भूल को क्षमा करें, बढ़ते हैं आगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने गूगल के साथ मिलकर के एक कैंपेन की शुरुआत की थी जिसका नाम रखा गया था लू रिव्यू। लू रिव्यू की शुरुआत करी गई थी, यानी कि गूगल मैप में अब आपको लू भी दिखेंगे। लू यानी कि पब्लिक टॉयलेट्स जो बनाए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उसकी रेटिंग्स भी देख सकते हैं, उनमें स्वच्छता कैसी रहती है, सैनिटेशन की व्यवस्था कैसी रहती है किसी पर्टिकुलर टॉयलेट में, उसकी रेटिंग भी देख सकेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको रेटिंग देखने को मिलती थी किसी मॉल की, किसी पब्लिक प्लेस की, किसी दुकान की, किसी शोरूम की, अब आपको लू रिव्यू कैंपेन के तहत देखने को मिलेगी रेटिंग पब्लिक टॉयलेट्स की भी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब कुछ ऐसी न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो PIB में नहीं पब्लिश हुई थी फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कोर्ट ने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले अगर होते हैं जिनका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस का, उनकी हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग की मंजूरी दे सकते हैं, लाइव कवरेज की मंजूरी दे सकते हैं। अगर कोई ऐसे वर्डिक्ट होंगे या फिर ऐसी प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरेस्ट रखती है कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस से, उनकी स्ट्रीमिंग की जा सकेगी। हालांकि कुछ इसमें भी स्टिपुलेटेड कंडीशंस रखी गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रखी गई है कंडीशन की जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो 10 मिनट के डिले के साथ उपलब्ध होगी, और साथ ही साथ कंसेंट यहाँ पर प्राप्त करना आवश्यक है पार्टीज़ की, जिन पार्टीज़ के बीच मुकदमा है उनकी अगर वो होगी सहमति तभी लाइव कवरेज यहाँ पर करवाई जा सकेगी। लाइव कवरेज के लिए सबसे पहले आपको, यानी मीडिया हाउसेस को जो लाइव कवरेज यहाँ पर करेंगे उनको यहाँ पर एक्विजिशन लेना कोर्ट से ज़रूरी होगा। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर वही बात है, लाइव कवरेज कह दिया लेकिन वो 10 मिनट डिले होगा, लाइव कवरेज कह दिया लेकिन उसके लिए आपको स्टिपुलेटेड कंडीशंस फॉलो करनी होंगी। तो ये कुछ चीज़ें हुई थी, और इसके लिए कह रहे थे कि
लाइव स्ट्रीमिंग का पर्पस यही रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जा सके रूल ऑफ लॉ में। और जो भी एक और चीज़ कही गई थी कि मीडिया हाउसेस कभी कभी गलत कवरेज दे देते हैं जल्दबाजी में, सुर्खियों में आने के लिए, ट्रेंडिंग में आने के लिए गलत चीज़ें बताई दी जाती हैं, फैसला कुछ और आता है और कोर्ट के बाहर खड़ी मीडिया कुछ और ही बता देती है, इसको अवॉइड करने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीमिंग आगे होती है कि नहीं हम लोग देखेंगे, जब कोई फैसला ऐसा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस का तब ये बात हमको पता चलेगी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल अपना दे दिया था कि जो GSTN है यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, इसको पूरी तरह से अब एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी बना लिया जाएगा, यानी कि इसके सारे स्टेक्स अब होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, पूरी तरह से आपका ये IT बैकबोन है GST का, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम आया पूरी तरह से लगभग लगभग पूरी तरह से किस पर निर्भर है, GSTN पर। करेंटली यानी कि अभी की अगर बात करें तो सेंटर और स्टेट्स के पास कुल मिलाकर के 90% ही स्टेक हैं GSTN के, और बाकी किसके पास है 51%, 5 प्राइवेट या फिर कह सकते हैं नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हाथ में, जैसे कि HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, NSE स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो इनसे लेकर के पूरा का पूरा रिजाइम अब जाएगा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, पूरे 100% स्टेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होंगे। जैसे इस समय अगर मैं बात करूं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 100% स्टेक किसके पास हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो इसी तरह से लेकर आने वाले हैं GSTN को इसमें। अगर तो कभी आ जाता है आपको GSTN पर लिखने को छोटा मोटा आंसर, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि GSTN एक्चुअली में है क्या। पूरी तरह से ही IT बैकबोन है GST का, GST कलेक्शन से रिलेटेड जो भी लोग हैं, GST कलेक्ट करने वाले जो भी लोग हैं, GST का टोटल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉम्पैक्टली अरेंज करने का काम आपका GSTN का ही है। ये एक रिपोजिटरी की तरह काम करता है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, सारे रजिस्टर्ड यूज़र यहाँ पर मतलब अपना टैक्स पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अधिकारी टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। GSTN की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको जो पहली लाइन देखने को मिलेगी अबाउट GST के बारे में, वो यही है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। GST क्या है, अभी आज की डेट तक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। तो अगर तो कोई बनाता है आपसे क्वेश्चन कि GST इज, चार ऑप्शन आज के लिए क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया रहता है कि क्या है क्या नहीं है, आपको ऑप्शन से उसको करना है। आपका क्वेश्चन बनेगा GST इज या फिर GSTN इज, चार ऑप्शन, तो आप क्या लिखेंगे। तो अगर वहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट लिखा होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, तो आप उसी को टिक करेंगे इस समय तक। हालांकि देखते हैं जल्दी अब ये स्टेट ओन्ड कंपनी बनने वाली है, तो जब स्टेट ओन्ड बन जाएगी तो आप किसको टिक करेंगे, GSTN इज स्टेट ओन्ड कंपनी, क्योंकि 100% स्टेक्स किसके पास होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इसके अलावा कुछ वर्डिक्ट बेहद सुर्खियों में रहे थे, हमने इसके लिए वीडियो भी डाला था अपने चैनल पर, मैंने खुद डाला था अगर आपने देखा हो इसको, और ये बहुत न्यूज़ में रही थी, चीज़ ट्रेंडिंग में रही थी, आधार को, आधार वर्डिक्ट। ठीक है, आधार को कॉन्स्टिट्यूशनल तो बता दिया था कोर्ट ने, लेकिन बहुत सारे इसमें जो मैंडेटरी चीज़ें थी उसको हटा करके वॉलेंटरी कर दिया था, यानी कि जहाँ जहाँ पर आधार मैंडेटरी था वहाँ पर वॉलेंटरी इसको कर दिया था, और कहाँ कहाँ पर इसको मैंडेटरी रखा गया, केवल पैन कार्ड बनवाने में, सब्सिडीज को प्राप्त करने में और ITR फाइल करने में। इन तीन चीज़ों में आपको आधार कार्ड देना ही पड़ेगा जैसे पहले देना होता था, इसमें मैंडेटरी है। नॉट मैंडेटरी अब कहाँ पर है, CBSE UGC नीट के पेपर देने पर बैंक अकाउंट खोलने में, जो एक मैंडेटरी थिंग होती है कि अगर आपके पास आधार नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती थी यहाँ पर अकाउंट खोलने में, अब इसको हटा दिया गया है। प्राइवेट कंपनीज पहले डेटा मांगती थी अपने एम्प्लॉयज़ का आधार कार्ड के माध्यम से, अब बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसमें सज़ा भी हो सकती है कंपनी को, अगर वो आपसे आधार का डेटा मांगते हैं तो। मोबाइल नंबर के लिए आपको बेहद ज़रूरी था, मोबाइल से ही मतलब आधार से ही मोबाइल नंबर का ऑथेंटिफिकेशन होता था पहले, अब इस फीचर को भी हटा दिया गया है। अब ये तो रही कुल मिलाकर बात, अब थोड़ी सी टेक्निकल बात अगर कर लें तो जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी जो बनाई गई थी किसके लिए, डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पर अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी जुलाई में इस साल, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं वो डेटा प्रोटेक्शन के बारे में वही रखी गई थी कि डेटा प्रोटेक्शन को BN श्रीकृष्णा रिपोर्ट ने बताया था इंडिविजुअल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में, यानी कि किसी भी भारतीय इंडिविजुअल का जो भी डेटा है, उसकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसका प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका, और स्टेट को इंश्योर करना होगा उसका डेटा प्रोटेक्शन किसी भी कीमत पर। तो ये आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इससे। एक और जो इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, वो किसके बारे में आया था, वो था अडल्ट्री के बारे में। अडल्ट्री के बारे में वर्डिक्ट क्या था, जो IPC की धारा थी 497 उसको क्या कर दिया गया था, अब स्क्रैप कर दिया गया था, पूरी तरह से उसको रिमूव कर दिया गया था, अब 497 लागू नहीं होती है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके पर भी मैंने सेपरेट वीडियो डाला था,
अब उसमें यही सब चीज़ें मैंने बताई थी कि अलग अलग जजेस ने अपना क्या क्या व्यूज़ रखे थे, और अगर टोटल बात कर लें तो 5 जजेस की जो बेंच थी सभी ने ये एग्री किया था कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था ये एक्ट, या फिर आईपीसी 497 के सारे प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इलीगल थे और वुमेन्स के फंडामेंटल राइट को हनन करने वाले थे। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था किसके लिए, एगमार्क के लिए, एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए। अगर कोई मैन्युफैक्चरर एगमार्क के लिए अपना एप्लीकेशन लगाता था तो उसको काफ़ी वेट करना पड़ता था, जो अभी तक की मैनुअल प्रोसेसिंग होती थी उससे अब यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो स्पीडली उसके एप्लीकेशन पर विचार किया जा सकेगा कि वाकई में उसके प्रोडक्ट को एगमार्क दिया जा सकता है या फिर नहीं। अब एगमार्क है क्या, एगमार्क के बारे में क्वेश्चन आया था आपके सीएचएसएल के एग्जाम में, आपसे पूछा गया था डायरेक्टली कि एगमार्क कौन देता है। एगमार्क देता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन देता है एगमार्क, और इसको आप हॉलमार्क से कन्फ्यूज़ नहीं करिएगा, हॉलमार्क अलग चीज़ है, वो अलग बॉडी देती है। हॉलमार्क कौन देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स देता है, ठीक है, BIS देता है हॉलमार्क, और ये एगमार्क कौन देता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, और किस एक्ट के तहत ये दिया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937 के तहत एगमार्क दिया जाता है। एगमार्क देने के लिए मतलब एगमार्क प्राप्त करने के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरर को एप्लीकेशन देना होता है, और फिर जितनी भी गाइडलाइंस हैं एगमार्क के लिए, अगर उनका प्रोडक्ट जो है फुलफिल कर देता है तो उसको एगमार्क जारी कर दिया जाता है, और अपने प्रोडक्ट के डिब्बे में वो एगमार्क का सिंबल इंप्लीमेंट कर सकता है मंजूरी मिलने के बाद। तो इस मंजूरी को लेने में काफ़ी समय लगा करता था पहले, लेकिन अब ये टूल जो आ गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अब इससे कम समय लगेगा, बस इतना आप इसमें याद रख सकते हैं। अब एगमार्क किन चीज़ों को दिया जाता है, ये भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये दिया जाता है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, एसेंशियल ऑयल्स को, फ्रूट वेजिटेबल्स को, सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स को जैसे कि वर्मिसिली को, ठीक है, सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं इसमें, एसेंशियल ऑयल्स भी हो सकते हैं और सूखे मेवे भी हो सकते हैं, सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो आज के सारे आर्टिकल, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, अब आप हमको क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स में लिख करके बताइए। कल हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जवाब काफ़ी कम आए थे, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आंसर अपने, और कमेंट में भले ही कुछ ना लिखें आंसर जरूर बता दीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं पूछने की प्रयास करता हूँ और आपकी प्रिपरेशन इससे चेक की जा सकती है। सेवा भोज योजना किस मंत्रालय की योजना है, पहला क्वेश्चन है आपका। केरल में बचाव कार्यों के लिए वायुसेना के द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन का जो नाम दिया जाता है वो आपको इसमें बताना है। जानकी अम्मल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली किस फील्ड में दिया जाता है ये आपको बताना है। अक्टूबर 2018 में UNHCR के द्वारा नैनसन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया था, अक्टूबर की न्यूज़ है ये, अक्टूबर की शुरुआत में बताइए किसको दिया गया था। टोगरोग या फिर टोगरीक किस देश की मुद्रा है, किस देश की करेंसी है, आपको कमेंट्स में लिख करके बताना है। इन 5 क्वेश्चन के आंसर जल्दी से लिख करके बता दीजिए कमेंट्स में, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये तो बनता है, और बाकी हम लोग मिलेंगे अपने कल के सेशन में, कुछ इंप्रूवमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग दोस्तों मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।